हीरा ग्रुप केस बॉन्ड। बड़ी न्यूज निकलकर आ रही है हीरा ग्रुप केस से। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। डॉक्टर नौहिरा शेख मैम के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना फैसला दे दिया। 10 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हीरा ग्रुप को फिर से अपने सारे प्रॉपर्टीज, संपत्ति के राइट्स मिल गए हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं। राइट टू सेल। बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है हीरा ग्रुप के फेवर में। और दूसरी बात, हीरा ग्रुप ने 900 करोड़ की सिक्योरिटी को पहले ही फर्निश्ड कर दिया है और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अब सारे वारंट्स इशू से डील करेगा जो लोअर कोर्ट से पास होंगे हीरा ग्रुप केस में। और TSFSL नाकाम रही हीरा ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट देने में, जो कि बहुत बड़ी बात है। आगे की सारी वेरिफिकेशन प्रोसीजर हीरा ग्रुप और SFIO दोनों के सहयोग से होगा। कितनी बड़ी बात अपने आप में निकल कर आ रही है। और डॉक्टर नौहिरा मैम, जो कि हीरा ग्रुप की CEO हैं, उनको दुनिया भर से बधाइयां आ रही हैं। इतने लंबे समय तक इन झूठे आरोपों को अपने सर लिया। सच्चाई के लिए डॉक्टर नौहिरा मैम लड़ रही थी कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए। आखिरकार उनका संघर्ष खत्म हुआ एक शानदार जीत से। सही में डॉक्टर नौहिरा मैम ने एक एग्जाम्पल सेट किया सारी कंपनीज के लिए, कैसे लीगल तरीके से सब बिजनेस चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। डॉक्टर नौहिरा शेख मैम ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा नेक हो तो लाख आपके दुश्मन कोशिश कर लें, जीत आपकी ही होगी, जीत सच्चाई की ही होगी। और यही होता आया है। डॉक्टर नौहिरा शेख मैम को ढेर सारी शुभकामनाएं। हीरा ग्रुप इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में टॉप में एक दिन जरूर आएगी।